शहर की प्रतिष्ठित सांगीतिक संस्था रागायन की रविवार को हुई संगीत सभा में श्रद्धा और समर्पण के सुर सजे। ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित एकनाथ सारोलकर एवं पंडित महीपत राव महाजनी की स्मृति में आयोजित इस सभा में कलाकारों ने ग्वालियर घराने की दोनों विभूतियों को सुरसाज से अपनी श्रद्धा प्रकट की। शुरू में रागायन के अध्यक्ष एवं सिद्धपीठ श्री गंगादास जी की बड़ी शाला के महंत स्वामी रामसेवक दास जी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं गुरुपूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंडित सारोलकार एवं पंडित महाजनी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में रागायन के उपाध्यक्ष अनंत महाजनी, शरद बख्शी, स्मिता महाजनी, मनोज नाइक, अविनाश महाजनी, संजय देवले, ब्रह्मदत्त दुबे, श्रीराम सिरधोनकर, संस्कार भारती के चंद्रशेखर दीक्षित आदि उपस्थित थे। सभा का शुभारंभ श्री साधना संगीत कला केंद्र की छात्राओं के ठाट आश्रित रागों के लक्षण गीतों के गायन से हुआ। केंद्र की छात्रा वैभवी फडनीस, मुस्कान गोस्वामी, सोनम भदौरिया, समीक्षा अग्निहोत्री, जीव्यांशी जाधव और उन्नति त्रिपाठी ने समवेत सायंकालीन ठाठ मारवा, खमाज, काफी और यमन के लक्षण गीत प्रस्तुत किए। अंत में यमन की त्रिताल में निबद्ध बंदिश गुरु बिन कैसे गुण गावे से गायन का समापन किया। इस प्रस्तुति में हारमोनियम पर श्री अनंत महाजनी और तबले पर अविनाश महाजनी ने साथ दिया। सभा के दूसरे कलाकार थे वरिष्ठ संगीत साधक पंडित श्रीराम उमरेकर। आज दाजी और महाजनी जी की स्मृति में उन्होंने माधुर्यपूर्ण सितार वादन की प्रस्तुति दी। वादन के लिए उन्होंने राग किरवानी का चयन किया। इस राग में उन्होंने दो गते पेश की। विलंबित और द्रुत दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध थीं। रागदारी से परिपूर्ण उमरेकर जी का सितार वादन रसिकों को मुग्ध कर गया। उनके साथ तबले पर बसंत हरमलकर और गिटार पर अमन वर्मा ने साथ दिया।